यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब उन्होंने इस तरीके से बदतमीजी करी और उसके बाद थोड़ा मैंने भी उनसे कहा कि भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, तो उन्होंने अपने गुंडों को इशारा कर दिया, जो उनके साथ हर समय 10-15 हथियारबंद गुंडे रहते हैं, उनको इशारा कर दिया कि इसको पागल को बाहर निकालो, और भद्दी भद्दी गालियां दी मुझे। और वो मुझे मारते पीटते हुए उन्होंने मेरी नाक की हड्डी तोड़ दी, सर में सरिये से मारा, कड़े से मारा, और उसके बाद मुझे 10 टाके आए और पूरे शरीर में लोहे की रोडों से मारा। अब मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धार्थ। ये वही डॉक्टर सिद्धार्थ हैं जिनके साथ कानपुर के बाबा करौली सरकार ने मारपीट और बदतमीजी करी। डॉक्टर सिद्धार्थ का साफ साफ आरोप है कि उन्होंने जब बाबा से सवाल पूछे तो उन्हें सवाल इतने बुरे लग गए कि उन्होंने अपने चेलों से इशारा करके पहले इनके साथ बदतमीजी करवाई और उसके बाद मारपीट करवाई। जानेंगे पूरा वाक्या है क्या। डॉक्टर सिद्धार्थ, आप जी कानपुर गए थे, तो जो बाबा थे उनके साथ क्या हुआ था, घटना क्या थी वो पूरी? देखिए भूपेंद्र जी, घटना ये थी कि हम लोग 22 तारीख को पहुंचे थे वहां कानपुर, और वहां पर हमने 4 बजे के आसपास हमें 2600 रुपये की हमने इनके आश्रम की रसीद कटाई और 3000 रुपये का कमरा बुक कराया। और इनके बारे में मैंने, मुझे एक मेरे मित्र हैं वीरेश्वर सिंह और मेरे भाई ने बताया था कि वहां पर जाकर चमत्कार वगैरह होते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ इन चीज़ों पर, तो क्योंकि मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और एक अच्छे परिवार से आता हूँ, और कुछ घर की सुख शांति के लिए गया था मैं वहाँ पे। तो मैंने जब वहाँ पर जाकर देखा, और YouTube पे इनके अनगिनत ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें चमत्कार करने का दावा करते हैं और उसमें ये उल्टी सीधी बातें करते हैं भूत प्रेत निकालने की, मैं बिल्कुल नहीं विश्वास करता उन सब चीज़ों में डॉक्टर होने के नाते। तो मुझसे पहले ये वहाँ पर डॉक्टरों के लिए भी गाली गलौज कर रहे थे, कुछ आए थे, और ये जो भी वहाँ मरीज आ रहे थे या जो भी इनके फॉलोअर आ रहे थे, तो उसमें उनसे सबसे ये कह रहे थे कि भाई तुम जाना वहाँ डॉक्टर को जो है उसे पीट के आना, मैक्स हॉस्पिटल में पीट के आना, या तुमने जहाँ इलाज कराया कानपुर में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी मरम्मत करके आना, हड्डी तोड़ के आना, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा देख के। तो मैंने एक अंदर से मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि अगर मैं ही इनसे सवाल नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा, और यहाँ तो भोली भाली जनता है, ये सबको मूर्ख बना रहे हैं। मुझे जो है ये लगा कि ये तो सरासर जो है एक तरीके से कोई फ्रॉड आदमी बैठा हुआ है। तो मैंने जाके जब इनसे सवाल जवाब करने शुरू करे, साइंटिफिकली इनसे सवाल जवाब किए, तो उसका ये जवाब नहीं दे पाए। तो फिर मैंने इनसे कहा कि आप कुछ चमत्कार तो करके दिखाओ, जिसके बाद ये कह रहे थे कि 1.5 लाख रुपये की पूजा होती है और वो 50,000 रुपये की उसमें इंक्लूड करते हैं, किट हवन किट वगैरह होती है, सब मिला के 2 लाख रुपये की पूजा एक दिन की पड़ती है। तो मुझे ये लग रहा था कि ये 2 लाख रुपये भी जाएंगे और फायदा कुछ होगा नहीं, तो ऐसे पता नहीं कितने लोगों को ठगते होंगे। तो उसके बाद फिर मैंने तुरंत ही जो है उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने पूछा कि क्या दिक्कत है, तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत दिक्कत है और घरेलू समस्याएं हैं कुछ, और मेरे फादर भी जो है एजिड हो रहे हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए मैं आया हूँ और घर की सुख शांति में के लिए मैं आपके वीडियो देख के आया हूँ। तो जब तक मैं उनसे ठीक से बात करता रहा तब तक तो आराम से बात करते रहे, लेकिन जब जैसे ही मैंने उनसे जो है थोड़ा सवाल जवाब करना शुरू किया और उनके चमत्कारों के बारे में बात करनी शुरू करी, तो उनको एकदम जो है वो गुस्से में भड़क गए और जो है उन्होंने मुझे पगलेट कहा, पागल कहा, और जो है अपने उनको फिर जब उन्होंने इस तरीके से बदतमीजी करी और उसके बाद थोड़ा मैंने भी उनसे कहा कि भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, तो उन्होंने अपने गुंडों को इशारा कर दिया, जो उनके साथ हर समय 10-15 हथियारबंद गुंडे रहते हैं, उनको इशारा कर दिया कि इसको पागल को बाहर निकालो, और भद्दी भद्दी गालियां दी मुझे। और वो मुझे मारते पीटते हुए उन्होंने मेरी नाक की हड्डी तोड़ दी, सर में सरिये से मारा, कड़े से मारा, और उसके बाद मुझे 10 टाके आए और पूरे शरीर में लोहे की रोडों से मारा। और अब तक जो है 1 महीना होने जा रहा है और मैं जो मुझे फिजिकल ट्रॉमा तो हुआ ही हुआ है उससे भी उबर नहीं पा रहा हूँ मैं, और जो मेंटल ट्रॉमा हुआ है उसके बाद उससे उबरना तो शायद जो है बहुत ही मुश्किल है, अगर जब तक इस बाबा को सजा नहीं होती है
और ये जेल में जाना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है अपने देश की माननीय न्यायपालिका पर और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर कि उन्होंने एक नया एग्जाम्पल सेट किया है लॉ एंड ऑर्डर का, और ऐसे कुछ गुंडे और ऐसे कुछ शरारती तत्व जो हैं उनका नाम खराब कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वो भी इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएं। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपनी फैमिली के साथ गए थे, तो जी जो बाबा हैं उन्होंने आपके के साथ बदतमीजी करी या फैमिली के लोगों के साथ भी करी? जी मेरे फैमिली के लोगों के साथ भी उन्होंने करी। मेरे फादर को उन्होंने जब मेरे फादर जब मेरी उनके साथ गुंडे जो है उन्होंने मुझे बाहर निकालने की कोशिश करी, तो मेरे फादर मुझे बीच बचाव करने के लिए आए, तो उन्होंने मेरे फादर को भी धक्का मारा, जो खुद एक बुजुर्ग आदमी है और बीमार है, कैंसर के पेशेंट हैं, रह चुके हैं, अब तो वो ठीक हैं फिलहाल भगवान की कृपा से, लेकिन उनको भी धक्का मारा उन्होंने, जिसका मेरे पास वीडियो एविडेंस है। अच्छा, जो आपके दोस्त हैं, आपने बताया कि आपके दोस्त ने आपको बार बार फोर्स किया और बोला कि बाबा के यहाँ चमत्कार होता है, तो उनको कैसे लगा? वो पहले जा चुके थे या क्या था, उन्हें कैसे पता लगा? मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने फेसबुक पे इनकी रील्स देखी हैं और यूट्यूब पे इनके जो है वीडियो देखे हैं, और भारत जो है शुरू से ही चमत्कारों का देश रहा है। जब ये साइंस नहीं आई थी तो उससे पहले भी ऐसे ही जो है ये चमत्कारों से जो है मरीज जो है सही हुआ करते थे उस जमाने में। अच्छा, एक बात और, आपने बताया कि इन्होंने 2 लाख रुपए, मतलब बात करते करते ये भी बताया कि 2 लाख रुपए की अगर आप पूजा कराते हो तो उसके बाद आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, तो ये मतलब कब बताया था, कैसे पता लगा? ये जब हम वहां पर गए और हमने वो ये कोई पर्ची वर्ची नहीं देते हैं, एक टोकन देते हैं मात्र, कोई ये जो अब ये दिखा रहे हैं ये सारे मीडिया पे अगर ये दिखा रहे हैं कि मैं पर्ची देता हूँ बार कोड लगी हुई और मैं इनकम टैक्स भरता हूँ, वो सब ये झूठ बोल रहे हैं सरासर। तो वहां पर जब हम इनके काउंटर पे गए तो उन्होंने बताया कि 10 तो वहां पे काउंटर बने हुए हैं, आपको स्टाफ इन्होंने सब जो है जो जो स्टाफ बैठा हुआ है सारा महाबदतमीज स्टाफ है, सारे गुंडे बैठा रखे हैं उसमें, वो आपसे पैसे लेते हैं और फिर दूसरे काउंटर पे भेज देते हैं कि वहां से हवन किट लो, फिर वहां पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, फिर आगे आपको भेज देंगे कि वहां से बंधन लो, उसके आपको पैसे देने पड़ते हैं, फ्री में कोई चीज नहीं मिलती वहां पे, और उसके बाद फिर आप जो है अगर आपको स्पेशल पूजा करानी है और एक ही दिन की पूजा करानी है तो आपको 1.5 लाख रुपए की पूजा होती है वो, और उसमें 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आता है जिसमें कि हवन सामग्री और ये सब होता है, तो कुल मिला के एक दिन का खर्चा 2 लाख रुपए का इन्होंने बताया। मुझे इन सब चीजों पे विश्वास नहीं हुआ, तो जब मुझे विश्वास नहीं हुआ तो इस वजह से मैंने उनसे कहा कि भाई आप कुछ चमत्कार तो दिखाओ ताकि मैं ये सब पूजा कराऊं। मुझे डॉक्टर, लगा कि मेरे पैसे भी ठगे जाएंगे और जो है कुछ फायदा भी नहीं होगा। नहीं, आपका सवाल लाजमी था, ठीक है, आपने जो पूछा वो सही था, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आपने 1 महीने बाद या फिर 15-20 दिन बाद FIR क्यों कराई, उसी वक्त क्यों नहीं कराई? जी वो मैंने इसलिए मैं इतनी दहशत में आ गया था, इतना डर गया था मैं, मुझे लगा कि ये वाकई में, क्योंकि इसके जो लोग हैं बाहर वो ये कह रहे थे कि ये वहाँ बंगाल का डॉन है और क्या नाम, तो मुझे लगा कि जब ये इतनी मारपीट मेरे साथ करा सकते हैं और वो भी योगी जी के शासन में, तो मुझे ये लगा कि अब यहाँ से निकलना बेहतर है, पहले मैं नोएडा पहुँच जाऊँ सुरक्षित तरीके से और वहाँ जाकर 0 FIR कराऊंगा। और मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, नाक की हड्डी मेरी टूटी हुई थी, तो मैंने ये सोचा तो कि पहले मैं अपनी तबीयत सही कर लूं, उसके बाद फिर मैंने अपने फादर से बात की, तो पहले तो हमारा मन नहीं था कि इसके खिलाफ कुछ FIR कराएं या वो कराएं, क्योंकि इसमें बदनामी भी थी कि पूरे परिवार की इसमें बदनामी हो रही हो जाती कि वहां पर ऐसे जो है मारपीट हुई और वहां से आ गए, लेकिन मेरे पिताजी के कुछ सीनियर अधिकारी मित्र हैं उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों के सामने नहीं आओगे तो ये तो भोली भाली जनता का क्या होगा जिनको ये मूर्ख बना रहा है ढोंगी बाबा। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सिद्धार्थ, इन्होंने बताई इनके साथ किस तरीके से मारपीट हुई, बदतमीजी हुई, और आखिर में इन्होंने हिम्मत दिखाते हुए बाबा के खिलाफ FIR करी है। अब इन्हें उम्मीद है कि शासन प्रशासन से इन्हें मदद मिलेगी और इन्हें इंसाफ मिलेगा। नोएडा से भूपेन चौधरी, यूपी तक।